जिला कांगड़ा की उपमंडल इंदौरा के पटवार सर्कल काठगढ़ में कार्यरत महिला पटवारी के साथ मारपीट मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से पटवारी व कांगो संघ कांगड़ा बिफर हो गया है। इस मामले को लेकर पीड़ित महिला पटवारी व कांगो कांगड़ा महासंघ धर्मशाला में जिलाधीश कांगड़ा संदीप कुमार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार से मिलकर ज्ञापन सौंपा और जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ित पटवारी सालिनी कौंडल ने बताया कि 16 फरवरी को शाम करीब 4 बजे जब अपने कार्यालय में काम कर रही थी तो उस दौरान बाई निवासी मनमोहन सिंह शराब के नशे में वहां आया और अपनी जमीन का पर्चा मांगने लगा। पीड़ित ने बताया कि उसने कहा कि अब सभी कागज ऑनलाइन तहसील ऑफिस में मिलते हैं। ऐसा सुनकर आरोपित भड़क गया और उसने मुझसे गाली गलौज पर मारपीट शुरू कर दी और साथ ही आरोपी ने उसे जाति सूचक शब्द कहे। मैं पटवारी लगी हूँ काठगढ़ सर्कल में। तो क्या घटना आपके साथ घटी थी? सर, मैं अपने ऑफिस में बैठी थी 3:45 के लगभग 16 तारीख को, और वो एक बंदा आता है जिसका नाम मनमोहन सिंह है, वो शराब पी के आता है और मेरे से पर्चे की डिमांड करता है। पर्चा, मैंने उसको बोला कि सर पर्चा भी ऑनलाइन मतलब मिलेगा आपको, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद हमें DLR के ऑर्डर है कि हम पर्चा हाथ से नहीं लिख सकते, नहीं बना सकते हैं। मैं आपको खाता नंबर दे देती हूँ। मैंने उसको खाता नंबर दे दिया। फिर वो बोलता कि मेरी जमीन, मेरे को जमीन बताओ, मेरी जमीन कितनी है पूरी, और मेरे खसरा नंबर बताओ। मैं जैसे ही उसको नंबर खसरा निकालने लगी, जमाबंदी निकाली मैंने, उसने मेरे को गाली निकालना शुरू कर दिया। 5 रुपए गाली दी मेरे, और ऐसी गंदी गालियां निकालना शुरू कर दी, और मेरे को बालों से पकड़ा पीछे से और पटक दिया जमीन में, जोर जोर से पटका। मेरे बाल नहीं छोड़े उसने 10-15 मिनट, और फिर कभी टेबल पे मारे, कभी पीछे मारे, यहाँ पे सारी सारी जगह मेरे लाते मारे उसने, और उसने कपड़े पर फाड़ने की कोशिश की। फिर उसने एकदम से मेरे को छोड़ा और फ्रंट वाला दरवाजा वो बंद करने लगा। जैसे वो फ्रंट का दरवाजा बंद करने का मेरे को मौका मिला, मैं भागी पीछे के दरवाजे की तरफ। 2 दरवाजे मेरे दरवाजे, मैं पीछे के दरवाजे की तरफ भागी और एकदम से मैंने कुंडी खोल दी, खुल गया वो दरवाजा जल्दी से, और फिर उसने फिर पीछे से दुपट्टा भाग लिया, वो पीछे मेरे भागा दुपट्टा भाग लिया, मैंने पकड़ लिया उसने, और मैंने एकदम से दुपट्टा भी नीचे फेंक दिया। फिर मैं वहां से भागी कैसे भी करके। जी सर, जो मेरे साथ हुआ है वो मैंने सब कुछ बताया, स्पष्ट बताया। आप कह रहे थे कि उन्होंने आपके साथ रेप करने की कोशिश की? जी सर, तो ये सब कुछ रेप में तो आता है, जो बंदा किस हद तक गिर सकता है तो वो कुंडी लगा रहा है। तो अभी आज आप जिलाधीश से मिले हैं, तो और क्या मांग है आपकी, क्या आप चाहते हैं? मैं तो सर यही चाहती हूँ, चाहे मेरे ट्रांसफर फी ना हो, ट्रांसफर कोई हल नहीं है इस बात का। मैंने बहुत ज्यादा अभी तक नौकरी करनी है, तो मैं कितनी ट्रांसफर करवाऊंगी? मैं ये चाहती हूँ कि जिस बंदे ने मेरे साथ इतनी बदसलूकी की है उसको पुलिस जल्दी से जल्दी पकड़े। क्यों नहीं पकड़ रही सर, 6 दिन हो गए आज, क्यों नहीं पकड़ रहे हैं उसको भी? पटवारी व कांगो कांगड़ा महासंघ के अध्यक्ष सतविंदर सिंह ने कहा कि इस तरह की घटना अशोभनीय है व जघन्य अपराध है और इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संघ चाहता है कि इस मामले का प्रशासन जल्द हल करे और आरोपी को जेल भेजा जाए, ताकि बाकी लोगों को भी इससे सबक मिल सके। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब कोई छोटी सी घटना होती है तो नेता भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज एक महिला कर्मचारी के साथ ऐसी बुरी तरह से मारपीट हुई है और एक नेता का बयान तक नहीं आया। उन्होंने कहा कि संघ चाहता है कि जल्द इस मामले का शांतिपूर्ण कोई हल हो जाए, वरना संघ को कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पुलिस ने आरोपित मनमोहन सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपित फिलहाल फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। जिलाधीश कांगड़ा ने संघ को जल्द इस मामले में उचित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। शालिनी पटवारी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ उसका आरोपी आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। इस बारे में अभी तक जो महासंघ ने शांतिपूर्ण कार्य किया है, पहले हम DC साहब से भी मिले और एडिशनल SP साहब से भी मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है, और आगे भी हम ये चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान जल्द से जल्द शांतिपूर्वक हो जाए। हमें कोई किसी किस्म की कोई कदम न उठाने पड़े। आप जो विश्वास रखे हुए हैं प्रशासन पे या पुलिस पे, वो हमारे सामने आरोपी गिरफ्तार हो जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि दूसरे भी जो अपराधी हैं उनको भी पता चले कि कोई किसी भी कर्मचारी पर बिना मतलब या बिना वजह उससे मारपीट करना या सिर्फ दुर्व्यवहार करना ठीक नहीं है। ये बड़े दुख की बात है कि
छोटी सी बात होती है तो बाकी नेता भी खड़े हो जाते हैं। एक लड़की के साथ इतनी बुरी तरह से मारपीट हुई है, किसी भी नेता जी का बयान नहीं आया आज तक, बड़े दुख की बात है। हम चाहते हैं कि कोई भी समाधान हमें किसी किस्म का प्रतिरोध न करना पड़े, हम शांतिपूर्ण तरीके से इसको निपटाना चाहते हैं, लेकिन नहीं होती। इस बारे हम अभी इमरजेंसी मीटिंग करने जा रहे हैं कि अगर हमारी ये जो बातचीत है या प्रार्थना नहीं सुनी जाती तो हमारा अगला कदम क्या होगा, इसी बारे में हम अगली ये मीटिंग करने वाले हैं।